नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एसएससी में। सबसे पहले आपको दिवाली की शुभकामनाएं, और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2017 के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो कि इंपॉर्टेंट हैं। एसएससी एमटीएस जो चल रहा है एग्ज़ाम, और साथ ही साथ सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो और यूपीएसआई, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल स्टडी फॉर एसएससी और बेल आइकन पर क्लिक करिए, इससे आपको आगे के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट इज टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन वॉलीबॉल टीम। वॉलीबॉल टीम में कितने प्लेयर होते हैं? 6। नेक्स्ट है, वॉट इज द फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी का क्या फंक्शन है? किडनी का फंक्शन है फिल्ट्रेशन, फिल्टर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन बींग इज डन बाई हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंडिंग ऑफ लाइट स्लिट इज कॉज ड्यू टू डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइलेज इज कॉज ड्यू टू TIR, माइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड, इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला था? रणवीर सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन ब्रिक्स। ब्रिक्स जो है उसमें कौन सी कंट्री नहीं इंक्लूडेड है? तो आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड टेलीविज़न। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? फिलो फार्न्सवर्थ। नेक्स्ट है, काला पानी डिस्प्यूट इज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। ये नेपाल के बीच में। नेक्स्ट है, हु गेव थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की थ्योरी किसने थी? लियोन वालरस ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ स्टॉर्म ऑफ चाइना सी, ताइफून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन चंपारण। चंपारण में महात्मा गांधी ने कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया था? सत्याग्रह। ये थे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीकेस्ट बॉन्ड इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का सबसे वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्ज्वला स्कीम इज प्रोवाइड्स एलपीजी सिलेंडर्स टू एवरी बीपीएल फैमिली। बीओएल गलत लिखा है, बीपीएल, बीओएल फैमिलीज हाउस होल्ड। नेक्स्ट है, नॉट अ फंक्शन ऑफ फॉरट्रान कौन सा है? ड्राइंग। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद इंडिया। इंडिया के साथ कौन सी सबसे ज़्यादा कंट्री जो है अपनी बाउंड्री शेयर करती है? तो है वो है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन मिस यूनिवर्स 2016 मतलब 2016 में मिस यूनिवर्स कौन था बना था? आयरिस मिटेनियर। नेक्स्ट है, पीएच स्केल ऑफ ब्लड। ब्लड का पीएच स्केल क्या है? स्लाइटली बेसिक होता है। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। आगे क्वेश्चन के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल स्टडी फॉर एसएससी और बेल आइकन पे क्लिक करिए, इससे आपको आगे के अपडेट्स मिलते रहेंगे। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और पुराने वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर आप जा सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एसएससी में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2017 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जिसकी चांसेस सबसे ज़्यादा है आने की, जो कि इंपॉर्टेंट है एसएससी एमटीएस सीजीएल यूपीएसआई के लिए। तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल स्टडी फॉर एसएससी और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए, इससे आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विच कंट्री वॉज रनर अप ऑफ इन कबड्डी वर्ल्ड कप 2016? ईरान। और जीता कौन था? इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंड इज जनरेटेड बाय लारनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट 100001 बाइनरी इनटू डेसिमल। तो डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 73 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामा मस्जिद बिल्ट इन विच सेंचुरी? 17th सेंचुरी, 1656। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइलम फर्स्ट प्रोड्यूसर इन विच पार्ट? स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेट नेम ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? मैग्नीशिया हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोमेन एम्परर डिड द रूल विच स्टेट इन इंडिया ड्यूरिंग 1990 BC? कश्मीर में रूल किया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई कोर्ट जज रिटायरमेंट एज फ्रॉम 60 to 62 बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? 15th अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड सोडियम? हम्फ्री डेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वोकल कॉर्ड लेंथ इन मेन? 17 mm से 25 mm इन लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोमेटो ब्रिंजल पोटेटो फॉल इन विच कैटेगरी? सोलेंसिस कैटेगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2016 रैंक कितनी है? 16।
16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ हिमालय इज लोकेटेड बिटवीन काली एंड सतलज रिवर? कुमाऊं हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गॉट ब्रोकर प्राइज इन 2016? पॉल बीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्रेन इज कनेक्टिंग पाकिस्तान एंड इंडिया? समझौता एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर शेयरिंग कंट्री विद इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल स्टडी फॉर एसएससी फॉर मोर अपडेट। लाइक एंड शेयर और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एसएससी में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एसएससी एग्ज़ाम एमटीएस एग्ज़ाम 2017 के लिए पिछले कुछ एग्ज़ामों के एसएससी के एग्ज़ामों के एनालिसिस है जो कि 17/3/2013 की है। यहाँ पे गलत लिख गया है, 2013 की एनालिसिस है। और ये आगे आने वाले एमटीएस एग्ज़ाम, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएसआई एग्ज़ाम, इन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल स्टडी फॉर एसएससी और बेल आइकन पर क्लिक करिए जिससे आपको आगे के अपडेट्स मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन सा बनाया गया? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्म्ड एंड द मैन नाटक के नाटककार कौन थे? बर्नार्ड शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समस्या किस कारण उत्पन्न होती है? साधनों की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र किस प्रकार का विषय है? अर्थशास्त्र समाज विज्ञान का विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे व्यापारिक साझेदार कौन सा देश है? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? खादी एवं कुटीर उद्योग आधारित विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं? 243 घा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त हैं तो सदन की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? सदन द्वारा नामित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अर्थव्यवस्था बेरोजगारी मुखी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना प्रथम सत्याग्रह किस स्थान से शुरू किया? चंपारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अस्तित्व का प्रारंभिक काल क्या था? पुरापाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान शक्तियों के पृथकीकरण का विचार किस दार्शनिक ने दिया? मोंटेस्क्यू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्थवाह कौन थे? कारवा नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे छोटा संप्रभु देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्शन विचारधारा में राज्य की अवहेलना करने में विश्वास रखा जाता है? था मार्क्सवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस मुख्य न्यायमूर्ति ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला ने। तो सब्सक्राइब करिए स्टडी फॉर एसएससी आगे के अपडेट्स के लिए और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और दोस्तों को जरूर बताइए, इससे उनको आगे मदद मिलती रहेगी क्वेश्चन के लिए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एसएससी में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2017 की एनालिसिस। 3 अक्टूबर की एनालिसिस है फर्स्ट स्टेप की और ये आगे आने वाले एग्ज़ाम एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप स्टडी फॉर एसएससी को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए जिससे आपको आगे के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। टिम बर्नर्स ली ये इन्वेंटर थे वर्ल्ड वाइड वेब के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकेडमी 24 लैंग्वेजेस में है, साहित्य अकेडमी अवार्ड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेंटर ऑफ इंटरनेट रॉबर्ट खान और विन सर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विन साहित्य अकेडमी अवार्ड 2016 फॉर हिंदी? हिंदी के लिए नासिरा शर्मा, जिस इन्होंने इनको मिला था पारिजात के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कीट रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ये नया क्वेश्चन है, स्कीट शूटिंग के लिए रिलेटेड है। स्कीट शूटिंग इज रिक्रिएशनल एंड कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी वेयर पार्टिसिपेंट यूजिंग शॉर्ट गन अटेम्प्ट टू ब्रेक क्ले टारगेट। नेक्स्ट, मैकेनिकली फ्लंज इन टू द एयर फ्रॉम टू फिक्स्ड स्टेशन एट हाई स्पीड ऑफ वेरियंट ऑफ एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन 10 देशों का समूह है कौन से कंट्री से स्टार्ट हुआ था? जो कि सिंगापुर से स्टार्ट हुआ था। इसमें चार ऑप्शन दिए गए थे तो इसमें सिंगापुर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मेक गोल्ड हार्डर विच इज़ टू बी एडेड? हार्डर करने के लिए गोल्ड को कॉपर मिलाते हैं और सिल्वर मिलाते हैं, इसको कहते हैं 24 कैरेट गोल्ड।
और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं डिजीज़ेस, जो कि आप पढ़ लीजिएगा। आप पॉज कर देता हूँ मैं, तो आप पढ़ लीजिए इसको, ठीक है। और ये मैथ के कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के आए थे, और ये यही क्वेश्चन नहीं आए थे, इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, तो इसमें हमने सही आंसर पे टिक कर दिया है, आप देख लिए आप, ठीक है। और ये कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं जो कि इस टाइप के आए थे, ठीक है, और इसको आप कर लिए। तो सब्सक्राइब करिए स्टडी फॉर SSC, फॉर मोर अपडेट्स लाइक एंड शेयर कमेंट, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर SSC में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ SSC MTS एग्ज़ाम 2017 के लिए ऑल शिफ्ट्स के लिए एनालिसिस, जो कि हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट हैं SSC MTS CGL और UPSI के लिए, और आने वाले ये जो SSC एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आज के लिए खासतौर से इम्पॉर्टेंट है। और ये मेरे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, और दोपहर तक हम इसके जो आज एग्ज़ाम हुआ है, होने जा रहा है, उसके भी हम एनालिसिस करके आपको देंगे। इसके लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टडी फॉर SSC और बेल आइकन पर क्लिक करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द चाइनीज़ ग्रैंड प्रिक्स इन 2017? लेविस हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ECG वाज डिस्कवर्ड बाई विलियम इन थोवेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार मीनार इन विच स्टेट? हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा फ्रॉम पंजाब। पंजाब में कितने मेंबर हैं राज्यसभा में? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्ट एज शील्ड अगेंस्ट यूवी रेज? यूवी रेज के अगेंस्ट कौन सी शील्ड एक्ट है? स्ट्रेटोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा फोर्ट वॉज बिल्ड बाई होम? अकबर ने आगरा फोर्ट का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सीट्स इंडिया हैज एज ऑफ जून 2017? 29। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर? केल्विन टेम्परेचर की यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स SDI में क्या रैंक है? 131 रैंक है इंडिया की, 131। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैंक ऑफ नॉर्वे इन SDI इन 2016 ह्यूमन डेवलपमेंट में रैंक जो है नॉर्वे की 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज थैंक स्टैटिक फ्रिक्शन लेस देन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड फोर्ट वर्ड बिल्ड बाई शाहजहां ने इसका निर्माण किया था। तो सब्सक्राइब करिए स्टडी फॉर SSC, आगे के अपडेट्स के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करिए, कमेंट करिए, और अपने दोस्तों को जरूर बताइए जिनका भी आज एग्ज़ाम है MTS का। चलिए, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर SSC में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ SSC MTS एग्ज़ाम 2017 के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि SSC MTS एग्ज़ाम 2017 में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, और साथ ही साथ CGL CHSL UPSI इसमें भी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करने से पहले आप सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टडी फॉर SSC, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बेल आइकन पर क्लिक करें, इससे आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, LinkedIn वॉज बाउट बाई माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामा मस्जिद वॉज बिल्ड बाई शाहजहाँ ने बनाई थी जामा मस्जिद। वॉट इज़ द एसिड फाउंड इन एंट स्टिंग? फॉर्मिक एसिड। एंट में जो है मतलब चींटी में कौन सा एसिड होता है? तो फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डायनेस्टी लिव्ड इन रेड फोर्ट? तो रेड फोर्ट में मुगल डायनेस्टी रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ईयर द ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज फॉर्म्ड? 1946 में ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा 2014 वॉज हेल्ड एट? फीफा वर्ल्ड कप तो ब्राज़ील में हेल्ड हुआ बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ वोकल कार्ड इन ह्यूमन 2 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इंडियन बॉर्डर? इंडियन बॉर्डर की लेंथ 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मूवी वॉन ऑस्कर अवार्ड? ऑस्कर अवार्ड जो है अभी जीता था मूनलाइट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड ब्लड सेल फॉर्म इन विच बोन मैरो? रेड ब्लड सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच राइट टू यूज़ इफ नॉट सेटिस्फाइड विद जजमेंट? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32 में आता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32 से है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेंटर ऑफ कलर फोटोग्राफी, कलर फोटोग्राफी के इन्वेंटर कौन है? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर कनेक्ट इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान से कौन सी रिवर कनेक्ट है? चेनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुश एंड पुल ऑफ ऑब्जेक्ट इज, पुश एंड पुल ऑफ ऑब्जेक्ट इन साइंस इज कॉल्ड फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट इन सोप, सोप में मतलब साबुन में कौन सा हाइड्रोक्साइड पाया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सब्सक्राइब करिए स्टडी फॉर एसएससी फॉर मोर अपडेट, लाइक एंड शेयर, और अपने दोस्तों को जरूर बताएं, इससे उनको भी लाभ मिलता रहेगा और आगे के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। दोपहर तक हम इस आज के पेपर की भी एनालिसिस दे देंगे। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एसएससी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2017 के लिए ऑल शिफ्ट के लिए एनालिसिस है, जो कि हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ये इंपॉर्टेंट रहेंगे एसएससी एमटीएस 2017 के लिए और आगे आने वाले एग्ज़ाम सीएचएसएल यूपीएसआई और जो भी आगे नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और ये क्वेश्चन हैं 10/3/2013 की, तो आज यही क्वेश्चन हम लेके आए हैं। तो इससे सबसे पहले आप सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल स्टडी फॉर एसएससी और बेल आइकन पर क्लिक करिए, इससे आपको आगे के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सीसा लेड संचायक बैटरी के अवशेष आवेशित होने पर क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र कहाँ था? मुसिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशक शक्ति के रूप में उभरा? ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम को बूट करने का अभिप्राय क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम को लो करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है NaCN4 में निकल का ऑक्सीजन नंबर क्या है? शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे में जंग लगना क्या है? विद्युत रसायन परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को किसके का प्रयोग से कम किया जा सकता है? कम सल्फर वाले ईंधन का प्रयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए नाइट्रोजन आधार किसके कारण आरएनए में भिन्न होता है? थाइमाइन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांपों की विष ग्रंथियाँ किसके सदृश होती हैं? कशेरुकियों की लाल ग्रंथियों के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है मटर में विपरीत लक्षणों वाले कितने युग्मों का मेंडल ने चयन किया था? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? घर्षण की कमी के कारण। किसी पदार्थ का अणु किसके कारण अपने परमाणु के समान होता है? एक परमाणु अणु के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव के का से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस डॉस में प्राइमरी फाइल नेम में कितने करेक्टर रखे जाते हैं? 8 करेक्टर रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएसबी का प्रयोग किसके लिए होता है? पोर्ट टाइप के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यशद पुष्प फिलोसफर फूल किसे कहा जाता है? जिंक ऑक्साइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवनकाल 70 दिन का होता है, उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा? 140 दिन बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक जल धारण क्षमता किस मिट्टी में होती है? दोमट मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वातावरणीय परिघटना के अध्ययन को क्या कहते हैं? मौसम विज्ञान मेट्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता अभियान का कन्वेंशन का सचिवालय कहाँ है? मॉन्ट्रियल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस शहर को सबसे हरा भरा हरित शहर माना जाता है? चंडीगढ़ को सबसे हरा भरा माना जाता है। क्लोरोफिल में कौन सा पॉर्फिरिन होता है? मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस इम्पैक्ट का क्या अभिप्राय है? कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण सौर ऊर्जा का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्याकुमारी में कोलंबो जाने के लिए क्या पार करना पड़ता है? मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा में मौजूद कार्बनिक पदार्थ को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? खाद मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? गुजरात में सबसे लंबी तटरेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या है? क्यू सेक जल प्रवाह को मापने के लिए। कीट मेट कितनी टांगे होती हैं? 3 जोड़ी कीट में टांगे होती हैं। रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर से हुआ था? सेंट पीटर्सबर्ग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूजल पेयजल का बेहतर स्रोत है क्योंकि इसमें क्या होता है? आर्सेनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाक सब्जी और फल हमारे आहार का हिस्सा होने चाहिए क्योंकि ये किससे बढ़ाते हैं? क्रमांकुंचन को बढ़ाते हैं। पेरिस्टेट पेरिसेट
सेल्टलिसेस को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट भक्षी पौधे ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता शब्द किसने गढ़ा था? बेटसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा शुल्क किसका साधन है? विदेश व्यापार नीति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 1950 में अधिक पेड़ लगाओ का उद्घाटन किसने किया था? के एम मुंशी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक मंदी किस काल में आई थी? 1929 से 34 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का पृथ्वी शिखर नाम दिया गया? पर्यावरण एवं विकास पर 1992 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी आदरणीय फकीर है यह उक्ति किसने कही थी? विंस्टन चर्चिल ने कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए? अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? 6 सप्ताह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को अंग कहते हैं। तो सब्सक्राइब करिए स्टडी फॉर एसएससी फॉर मोर अपडेट्स, लाइक एंड शेयर कमेंट, और अपने दोस्तों को जरूर बताइए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एसएससी में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एसएससी एमटीएस एग्जाम 2017 के फर्स्ट शिफ्ट के 5 अक्टूबर 2017 के एनालिसिस, जो कि हमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस के लिए, आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और ये हमें भेजा है चरणजीत सिंह ग्वालियर से हैं जिन्होंने भेजा है हमको। तो सब्सक्राइब करिए सबसे पहले हमारा चैनल स्टडी फॉर एसएससी और बेल आइकन पर क्लिक करिए, जिससे आपको आगे के अपडेट्स मिलते रहेंगे और आगे क्वेश्चंस भी ऐसे ही भेजते रहिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फुल फॉर्म ऑफ उजाला उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ एनआईसी इन कंप्यूटर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन? जेम्स चैडविक, इन्होंने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के से किस किस क्लस्टर ऑफ पेरिस से किससे गर्म किया जाता है? है तब बनता है जिप्सम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की कुल 245 सीटों में कितनी निर्वाचित होती हैं? 233। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल सिद्धांत भारत के संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्च में कौन सा लेंस का यूज़ किया जाता है? अवतल दर्पण का, कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन रिलेटेड टू मलहार एरिया सैन्य अभ्यास के लिए जो है था, इसके ऑप्शन थे भारत, चाइना, अमेरिका, जापान। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके आंसर तो नहीं पता है लेकिन आप देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर गेट ऑक्सीजन प्लांट इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस? तो इसके ऑप्शन थे वाटर, वाटर प्लस CO2, लाइट, नन, ये ऑप्शन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मेटल लिक्विड में प्राप्त है? ऑप्शन आया था मरकरी और भी ऑप्शन थे। तो ये देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी 1192 के युद्ध के समय गौरी का सहायक था? ऑप्शन थे अफगानिस्तान, ईरान और पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच डेट डे एंड नाइट आर इक्वल? तो आंसर है 21 मार्च और 23 सितंबर, ये इक्वल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, सबसे बड़ा और गर्म राजस्थान कौन सा है? ऑप्शन है थार और सहारा, ऑप्शन आए थे ये थार और सहारा और मैनिमोर ऑप्शन थे, तो कौन सा है ये बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, दास कैपिटल बुक के लिए लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, किस वैज्ञानिक ने 2017 में दास डेविड अवार्ड जीता? श्रीनिवास कुलकर्णी ने। नेक्स्ट आया था, इंग्लिश के लिए करेक्ट स्पेलिंग आई थी गारंटी की आई थी, क्लेवर की आई थी? मैथ्स के लिए क्वेश्चन था, ये मैं पॉज कर दे रहा हूँ आप देख लीजिएगा। मैथ के लिए क्वेश्चन था, ये टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस से आया था। एक क्वेश्चन आया था सीरीज से क्वेश्चन था, उसके बाद ट्रेन वाला एक क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था रीजनिंग का नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, नंबर 10 और 200 के बीच में 7 कितनी बार आता है? तो आंसर है इसका 19 बार। और नेक्स्ट क्वेश्चन आया था,
एक पंक्ति में एक खिलौना बाईं ओर और 13वें स्थान पर है, दाईं ओर से 31वें स्थान पर है, तो बताओ टोटल खिलौने कितने होंगे। ये क्वेश्चन आया था, ये रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। तो सब्सक्राइब करिए स्टडी फॉर एसएससी, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को बताइए, और ये आगे आने वाले एमटीएस के एग्ज़ाम में आपको मदद करेंगे। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एसएससी में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2017 की 5 अक्टूबर के ऑल शिफ्ट के एनालिसिस हैं, जो कि हमें क्वेश्चन मिले थे, तो हम आपको ये शेयर कर रहे हैं। तो चलिए शेयर करते हैं। शेयर करने से पहले आप सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल स्टडी फॉर एसएससी, जिससे आपको हर रोज़ आपको इसके क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, जो भी आते रहेंगे एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चंस हमको भेजा था फर्स्ट शिफ्ट में, तो ये आपको हम दे चुके हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम जो नए क्वेश्चन हमको मिले हैं तो वो आपको दिखाते हैं। ये रहे नए क्वेश्चन 5 अक्टूबर के। तो पहला क्वेश्चन आया था विच इज़ द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। पुअर कंडक्टर हीट का ये है, इसके चार क्वेश्चन, इसके चार वो ऑप्शन थे, तो ये आप देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हॉटेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था विच इज़ नॉट अ क्लासिकल लैंग्वेज, इसके भी चार ऑप्शन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ऑथर ऑफ दस कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्रोनियम फॉर NIC। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हीटिंग ऑफ गिव्स यू प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये क्वेश्चन हम आपको आंसर बता चुके हैं ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था द लास्ट ग्रेटेस्ट किंग ऑफ मुगल्स, तो ये जहांगीर था, इसका आंसर हम बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था व्हाट इज़ द स्ट्रीट, ये भी बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ ऑड वन, ये जो है इसका ऑप्शन ये दिए हुए हैं, इसमें ऑड वन देखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था नंबर ऑफ इलेक्टेड पीपल ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा में इलेक्टेड पीपल को बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्लेक्टर यूज टू टॉर्च और कार हेड लाइट मेड अप ऑफ, ये क्वेश्चन था। GDP इज मेजर्ड बाई, कैसे मेजर करते हैं GDP को, ये भी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉनकेव मिरर इज इमेज इज, ये क्वेश्चन के ये इसकी जो है ऑप्शंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था विच आर्टिकल इज फॉर राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन का आर्टिकल किसका है, उजाला स्कीम, ये भी आपको बता चुके हैं ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन ईटर्स टू कुमाऊन बुक, ये किसने लिखी थी, ये जो है क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। पृथ्वीराज चौहान इज, ये भी क्वेश्चन बता। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कम्स अंडर विच सेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी क्वेश्चन आया था। ये कल के इंपॉर्टेंट कल के क्वेश्चन हैं, कल के MTS एग्जाम में आए थे, तो ये आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल, ये क्वेश्चन आया था इंडियन क्रिकेट कोच कौन से है, कौन सा है इंडियन क्रिकेट, तो ये भी क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था अपर स्मॉल चैम्बर ऑफ हार्ट, ये आया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था व्हेन डिड मुस्लिम लैंग्वेज डिमांड द सेपरेट नेशन ऑफ मुस्लिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था नेशनल फिल्म अवार्ड फीमेल सोनम कपूर, ये आया था, ये आपको आंसर हमने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था फुल फॉर्म ऑफ NNP। और नेक्स्ट क्वेश्चन आया था द मेजर सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन द एनवायरनमेंट इज ड्यू टू, ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था लोधा कमेटी रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ऑन विच स्टेट्स द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट आर इक्वल, ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था राघावली इज द फोक डांस ऑफ स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था व्हाट इज द कलर ऑफ लिम। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था लक्षद्वीप इज आइसलैंड मिनिकॉय इज अ पार्ट ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था विच ऐप डेवलपमेंट फॉर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था द सेंट्रल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ग्लूकोज इज ऑब्टेन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ। तो ये इतने क्वेश्चन आए थे, उसके पहले के क्वेश्चन हम आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके पहले के क्वेश्चन ये हैं, ये हमको चरणजीत सिंह ने भेजा था, और इसके बाद के क्वेश्चन शुभांकर ने भेजा था। तो ये क्वेश्चन है, इसको हम बता ही चुके हैं, फुल फॉर्म ऑफ उजाला उन्नत ज्योति अफोर्डेबल LED लाइट, फुल फॉर्म ऑफ GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फुल फॉर्म ऑफ NIC का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, जेम्स चैडविक, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे काम किया जाता है, जिप्सम से राज्यसभा की कुल 245 सीटों में से कितनी निर्वाचित होती हैं, 233। मूल सिद्धि सिद्धांत जो है भाग चार से लिया गया है, टॉर्च में कौन सा लेंस लगाते हैं, कॉनकेव मिरर, ये सब बता ही चुके हैं आपको। डिस्क्रिप्शन मालाबार एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, और वे ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, ऑप्शन थे कौन सा मेटल लिक्विड में प्राप्त होता है, ये भी इसके ऑप्शन थे। जब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी 1992 में युद्ध के समय गौरी कहाँ था,
तो ये भी क्वेश्चन आया था, विच डेट डे एंड नाइट 21 मार्च और 23 सितंबर डे नाइट इक्वल रहते हैं, ये क्वेश्चन आया था। वैसे ही क्वेश्चन आए थे, लास्ट कैपिटल एक क्या है, ये देखिए क्वेश्चन आया था, कार्ल मार्क्स आया था, ठीक है। तो देख लिए ये सब, हम पॉज कर दे, पॉज करके देख लिए, थैंक यू। और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल स्टडी फॉर एसएससी, फॉर मोर अपडेट लाइक एंड शेयर एंड कमेंट, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एसएससी में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2017 के लिए ऑल शिफ्ट के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि एसएससी एमटीएस 2017 के जो चल रहे हैं एग्ज़ाम उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ सीएचएसएल यूपीएसआई और जो भी एग्ज़ाम नेक्स्ट आगे आने वाले हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल स्टडी फॉर एसएससी और बेल आइकन पर क्लिक करिए, इससे आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स लॉ, पास्कल लॉ पे काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिचेन एंड मॉसेस आर फाउंड इन विच रीजन, टुंड्रा रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फारेनहाइट आर द सेम, 40 डिग्री सेल्सियस -40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाई एस आर फॉर्म इन विच ऑफ दीज, कोल पावर प्लांट से फ्लाई एस निकलती है, जो जलती है राख उससे हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वींसबरी रूल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, बॉक्सिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, एटलस सुपर कंप्यूटर था फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल बी ब्रिक्स 2017 विल बी हेल्ड, जो होना है जियामेन में होना है, जो कि चाइना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल फार्मूला ऑफ क्विक लाइम, क्विक लाइम का केमिकल फार्मूला CaO होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, पावर की एसआई यूनिट है वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक, ऑथर ऑफ बुक द विंडफॉल, द विंडफॉल के जो है ऑथर लेखक कौन है, दीक्षा बासु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल इज द हार्ट एंड साउल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 32 संविधान का दिल, आर्टिकल 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर इन्वेंटेड विच वैक्सीन, इन्होंने कौन सी वैक्सीन का आविष्कार किया था, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर विच एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट कमर्शियल मोनोपोली ऑफ ट्रेडिंग, चार्टर एक्ट 1813 के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिंगर जिंजर इज अ स्टेम और रूट, ये स्टेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोलिंग प्लान केम आफ्टर विच 5 ईयर प्लान, फिफ्थ प्लान 74 से 78। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरेना विलियम्स डिफीटेड हर सिस्टर टू विन विच ग्रैंड स्लैम, ग्रैंड स्लैम 23 ऑस्ट्रेलिया ओपन 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2017 इज गिवन टू शत्रुघ्न सिन्हा को मिला था, ये फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट किसने लॉन्च किया, सुंदरलाल बहुगुणा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ कोल, कौन सा कोयला नहीं है, सिग्नाइट, सिग्नाइट कोयला नहीं है। तो सब्सक्राइब करिए स्टडी फॉर एसएससी और बेल आइकन पर क्लिक करिए, और साथ ही साथ लाइक करिए हमारे वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को बताइए, इससे आपको उससे उनको भी लाभ होता रहेगा और आपको आगे के अपडेट्स मिलते रहेंगे, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एसएससी में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2017 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमारे जीएस के क्वेश्चंस हैं, और आज अब मैं आपके लिए 1100 क्वेश्चन लेके आऊँगा लगातार। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस जो एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए, और साथ ही साथ यूपीएसआई हाई कोर्ट इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो साथ ही साथ टीयर वन और टीयर टू के लिए भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टडी फॉर एसएससी और बेल आइकन पर क्लिक करें, इससे आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक राग दरबारी किसने लिखी थी, श्रीलाल शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलास वस्तुओं में क्रय के लिए बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है, उपभोग ऋण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्री हेली थॉर्निंग सिमिट्स किस देश की पहली प्रधानमंत्री थी, डेनमार्क की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक लाइट मैन इन द टावर का लेखक कौन है, अरविंद पाटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने निम्नलिखित में से किस सदन को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया था, 8 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रादेशिक सेना में एमएस धोनी को कौन सी मानद पदवी दी गई, लेफ्टिनेंट कर्नल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खुदरा ऋण का सर्वाधिक प्रतिशत किसका है, आवास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रशियन क्लासिक पुस्तक दी मदर का लेखक कौन है, मैक्सिम गोर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मध्य प्रदेश में राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है, भोपाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझवा प्रोसेस कहता है, प्रोसेस कर सकता है, बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है, डायगोनली मापा जाता है। प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडम जैसी बाहरी डिवाइस क्या कहलाती हैं, पेरिफेरल्स डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस के दो मानक घटकों के बीच स्थित व्हील का क्या प्रयोग होता है, स्क्रॉल करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, वे किस वंश के राजा थे, शाही गंगा राजवंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहसुन की विशिष्ट गंध निम्नलिखित में से किस एक के कारण है, सल्फ्यूरिक युक्त यौगिक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाली वायु थैले एयरबैग में क्या होता है, सोडियम एंजाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रथम प्रमाण किसने दिया था, एडविन हबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी का संस्थापक कौन था, विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन से क्षेत्र में सुल्तान जैनुल अबदीन का शासन था, कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के कौन से अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है, अनुच्छेद 61 के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर सतह पर सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, चैलेंजर द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने की शुद्धता को मापने के लिए कैरेट शब्द का प्रयोग किया जाता है, सोने का शुद्धतम रूप क्या है, 24 कैरेट बोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1976 में आपातकालीन की उद्घोषणा के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था, फखरुद्दीन अली अहमद। तो ये थे आज के क्वेश्चन, तो सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल स्टडी फॉर एसएससी, और लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एसएससी में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एसएससी एमटीएस एग्जाम 2017 के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो कि इंपॉर्टेंट हैं एसएससी एमटीएस सीजीएल सीएचएसएल और साथ ही साथ यूपीएसआई और जो अन्य एग्ज़ाम हो रहे हैं, होने वाले हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं, तो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल स्टडी फॉर एसएससी और बेल आइकन पर क्लिक करिए, इससे आपको आगे के नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डेविड वार्नर इज अ क्रिकेट प्लेयर ऑफ विच कंट्री, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल इमरजेंसी इन विच आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पार्ट आर देयर इन ह्यूमन ब्रेन, 3 पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द इन्वेंटर ऑफ रडार, रडार का इन्वेंटर कौन है, हेनरिच हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट बुलेट ट्रेन इन विच कंट्री, कहाँ की सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट ट्रेन है, बुलेट ट्रेन है, तो ये चाइना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अवार्डेड पद्म विभूषण इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक में पद्म विभूषण किसको मिला था, के जे यीशुदास को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑटोबायोग्राफी सुटेबल बॉय इज रिटन बाई, ये ऑटोबायोग्राफी सुटेबल बॉय जो तो किसने लिखी थी, विक्रम सेठ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे जे थॉम्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एंड्रेनालिन, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पूना पैक्ट वाज हेल्ड बिटवीन महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, प्लॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोलिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज फेनॉल, कार्बोलिक एसिड को फेनॉल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन फॉरेस्ट आर मोस्टली ऑफ विच टाइप, इंडियन फॉरेस्ट कौन कौन से टाइप के, ट्रॉपिकल टाइप फॉरेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ आई ओ आर ए का मेंबर कौन नहीं है, तो चाइना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एबॉलिश्ड सती प्रथा इन इंडिया, सती प्रथा को, लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कर्व इज रिलेटेड टू, लॉरेंस कर्व डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कीम से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम फेयर ऑफ उड़ान स्कीम, उड़ान स्कीम का मिनिमम फेयर अमाउंट क्या है, 2500 रुपये। तो सब्सक्राइब करिए स्टडी फॉर एसएससी और फॉर मोर अपडेट लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एसएससी में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2017 के लिए इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है एसएससी एमटीएस 2017 जो चल रहा है एग्ज़ाम, और साथ ही साथ सीएचएसएल यूपीएसआई और जो आगे नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, शुरू करने से पहले आप सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल स्टडी फॉर एसएससी
और बेल आइकन पर क्लिक करिए, इससे आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विनर ऑफ बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इन 64th नेशनल फिल्म अवार्ड, कौन है? सौरभी लक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ साउंड, साउंड की यूनिट कौन सी है? डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन एक्सोथर्मल रिएक्शन, एक्सोथर्मल रिएक्शन कौन सी? केमिकल रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रास इज मेड अप ऑफ जिंक एंड कॉपर, ब्रास किससे बनता है? जिंक और कॉपर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ बायोग्राफी ऑफ सचिन तेंदुलकर, सचिन की बायोग्राफी का नाम क्या है, मतलब जो इन्होंने लिखी है, प्लेइंग इट माई वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ FTP, FTP का फुल फॉर्म, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ BOD, BOD का फुल फॉर्म, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। हमें इसमें कन्फ्यूजन है, बायोकेमिकल भी हो सकता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डनलप इन्वेंटेड, जॉन डनलप ने क्या इन्वेंट किया था? डनलप का टायर आता है तो वही टायर इन्वेंटेड किया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोड नागालैंड, नागालैंड हर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द नेशनल वाटर एनिमल ऑफ इंडिया, रिवर डॉल्फिन नेशनल वाटर एनिमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया साइंड ब्लैक मनी एग्रीमेंट फ्रॉम फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट, ब्लैक मनी का एग्रीमेंट किसे लिया था? स्विट्जरलैंड से, फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच राइट हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम फंडामेंटल राइट, तो राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोवेली इज रिलेटेड टू वॉट, एलोवेली इज रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेडियम सचिन तेंदुलकर हैज स्कोर्ड हिज 100th इंटरनेशनल सेंचुरी, इन्होंने की थी श्री बंगला स्टेडियम में कंप्लीट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रूव्स दैट लाइट हैज़ पार्टिकल नेचर, तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से होता है पार्टिकल नेचर। तो सब्सक्राइब करिए स्टडी फॉर SSC और बेल आइकन पर क्लिक करिए, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को बताइए, इससे आपको फ़ायदा होगा और आपके दोस्तों को भी फ़ायदा होगा जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर SSC में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ SSC MTS एग्ज़ाम 2017 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि हमें 1100 क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो आपको ये हर दिन 25 से 50 क्वेश्चन हर दिन मिलते रहेंगे। तो सब्सक्राइब करिए स्टडी फॉर SSC और बेल आइकन पर क्लिक करिए, इससे आपको आगे के अपडेट्स मिलते रहेंगे। और ये इंपॉर्टेंट हैं SSC CGL CHSL MTS स्टेनो और UPSI के लिए, और जो एग्ज़ाम चल रहा है SSC MTS उसके लिए ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? महिलाओं की संख्या 940 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कपास का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र किस देश का है? भारत का। नेक्स्ट है, हमारे सामने विद्यमान सभी मामलों में कृषि मामला सबसे पहले आता है या कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की मेज़बानी कौन सा देश करता है? मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डर का आविष्कार किसने किया था? डेविड वॉरेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर की संधि निम्नलिखित में से किसके और महाराज रणजीत सिंह के बीच संपादित हुई? लॉर्ड मिंटो और महाराज रणजीत सिंह के बीच संपादित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस राज्य का राज्यपाल का राज्य के कानून एवं व्यवस्था के विषय में विशेष उत्तरदायित्व तो है? नागालैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अधीन आता है? गृह मंत्रालय के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनूर का पर्वतीय स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में रंगनाथित्तु पक्षी अभयारण्य स्थित है? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कारण कुहासा होता है? संघनन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस एक राज्य में कुल भूक्षेत्र का अधिकतम वन क्षेत्र है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के किनारे नासिक शहर स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? VV गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभावी हुआ? 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? मणिपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय द्वारा भारत में बंद आयोजित करने की पहली बार अवैध घोषित किया गया? केरल उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गोरखपुर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कौन भारत का वायसराय था? लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कारण मरीचिकी की परिघटना होती है? प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मानव शरीर में मलेरिया किस जीव के कारण होता है? मच्छर के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यायाम के दौरान मानव शरीर में पसीना आना किस प्रक्रिया का इंगित होना करता है? परासरण नियमन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कारण दूध दही में परिवर्तन होता है? जीवाणु के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का हृदय का कौन सा प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीजनीकृत रक्त को महाधमनी में और वहाँ से पूरे शरीर में भेजता है? बाल बाम निलय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में किसने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की? लंदन नहीं, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मदाम ब्लावात्स्की ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा किस शहर में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई? लंदन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के बाद किसने इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा की? लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवर्ती राजगोपालचारी से ठीक पहले कौन भारत का गवर्नर जनरल था? लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघनाद शाह किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं? भौतिकी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रिमेम्बर्ड नामक पुस्तक किसने लिखी थी? पामेला माउंटबेटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग किसके अध्ययन के लिए गठित किया गया? केंद्र राज्य संबंध के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से अपनाई गई है? इंग्लैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा? जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विन फिंचेज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? पक्षियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बी एम अम्बेडकर ने संविधान का हृदय आत्मा किसे कहा? संविधानिक उपचारों का अधिकार को। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायान किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की फैक्ट्री की अनुमति दी गई? कासिम बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुरुदर ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा? गुरु हरगोविंद ने। शिवा समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? कावेरी नदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इकबाल ने। तो सब्सक्राइब करिए स्टडी फॉर SSC, और आगे भी आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चंस हम लाते रहेंगे। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर SSC में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ SSC MTS एग्ज़ाम 2017 के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। साथ ही साथ ये SSC MTS 2017 CGL CHSL और UPSI के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ ये जो एग्ज़ाम चल रहे हैं SSC MTS 2017 के लिए, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टडी फॉर SSC और बेल आइकन पर क्लिक करें, इससे आपको आगे के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ फंगस कॉल्ड? माइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसीव्ड अर्जुन अवार्ड 2016 इन रेसलिंग? रेसलिंग में किसको अर्जुन अवार्ड मिला था? विनेश फोगाट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ कैग? CAG कैग का टेन्योर क्या है? 6 साल का। नेक्स्ट है, हाउ मेनी पेयर ऑफ रिप्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में 12 होते हैं रिप्स, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था इंडिया का? विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट फीमेल एम्परर ऑफ इंडिया? फीमेल एम्परर कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट इज़ द SI यूनिट ऑफ हीट? हीट की SI यूनिट जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स टच द बाउंड्री ऑफ नेपाल? नेपाल के कितने स्टेट जो है इंडिया के बाउंड्री शेयर करते हैं? तो 5 हैं स्टेट। नेक्स्ट है, हु इन्वेंटेड पोलियो इंजेक्शन? पोलियो इंजेक्शन का आविष्कार किसने किया था? जोनस साल्क ने। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट? सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉमन नेम है बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर वर्क ऑन विच नंबर सिस्टम? कंप्यूटर किस नंबर सिस्टम पे वर्क करता है? बाइनरी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड व्हाट रिमेन कॉन्स्टेंट? एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस बुक इज रिटन बाई अरुंधति रॉय? इन्होंने जो हैप्पीनेस बुक लिखी थी, अटमोस्ट हैप्पीनेस बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज नोन एज ट्विन ऑफ अर्थ? ट्विन ऑफ अर्थ किस प्लैनेट पर कहते हैं? वीनस को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओर ऑफ आयरन? ओर ऑफ आयरन सीडी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो बॉल इज रिलेटेड टू विच गेम? नो बॉल किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु होल्ड्स कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया? कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया फाइनेंस सेक्रेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस अगेंस्ट ऑड्स बुक इज रिटन बाई सानिया मिर्जा। तो ये थे आज के क्वेश्चन। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टडी फॉर एसएससी और बेल आइकन पर क्लिक करें, इससे आपको आगे के अपडेट्स मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एसएससी में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एसएससी एमटीएस एग्जाम 2017 के लिए 1100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एसएससी एमटीएस 2017 में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस एचओनो और यूपीएसआई में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल स्टडी फॉर एसएससी और बेल आइकन पर क्लिक करिए, इससे आपको आगे के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति कौन से नंबर पर है? चौथे नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित किया गया था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? एमंडसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 फीफा वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसने लिखी थी? किसके द्वारा है? पीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल के लिए भारत में विश्व का सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र है? चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य काफ़ी एम सिल्क के उत्पादन में 70% योगदान देता है? कर्नाटक। नेक्स्ट है, हेमिस गुप्पा त्यौहार जो अंतर्राष्ट्रीय रूप में प्रसिद्ध है किस राज्य का है? जम्मू और कश्मीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? बी1 की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफदरगंज का मकबरा किसने बनाया था? शुजा उद्दौला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपकरण को वायुयान की चाल मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? अब केंद्रीय बल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की कौन सी अनुसूची संसद सदस्य एवं विधानसभा सदस्य की अयोग्यता का प्रावधान दल बदल के आधार पर रखती है? 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथने के पश्चात दूध में क्रीम किस कारण से पृथक होती है? अब केंद्रीय बल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपकरण को वायुयान की चाल मापने के लिए प्रयोग करते हैं? पीटो टनली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली भारतीय महिला जो अंटार्कटिका पर पहुंची? महल मूसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सा अनुसूची राज्य परिषद की सीटों के बंटवारे के बारे में वर्णन करती है? चौथी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोइबुल लैमजा लैमजवो विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का मुख्य कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना, उक्त कथन किसका है? विवेकानंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा यानी एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई ड्यूको का अर्थ क्या है? प्रशिक्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 का संबंध किससे है? प्राथमिक शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज जैकब हॉलीडेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति को महान शिक्षक किसने बताया है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उठो जागो और आगे बढ़ते रहो जब तक सफलता नहीं मिल जाती, उक्त कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा जन्म से प्रारंभ होती है तथा माता उपयुक्त परिचारिका है, उक्त कथन किसका है? सुकरात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृतिवाद का जन्मदाता किसको माना जाता है? रूसो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शन का फिलासफी किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क कोरी पटिया के समान है जिस पर अनुभव के द्वारा कुछ भी लिखा जा सकता है, उक्त कथन किसका है? जॉन लॉक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित मदन मोहन मालवीय ने काशी विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की थी? 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अखिल भारतीय बुनियादी शिक्षा सम्मेलन का आयोजन वर्ष 1939 में कहाँ हुआ था? पूना में। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। तो सब्सक्राइब करिए स्टडी फॉर एसएससी और बेल आइकन पर क्लिक करिए, और साथ ही साथ वीडियो पर कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एसएससी में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एसएससी एमटीएस एग्जाम 2017 के लिए इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि एसएससी एमटीएस 2017 में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ सीएचएसएल सीजीएल यूपीएसआई और जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल स्टडी फॉर एसएससी और बेल आइकन पर क्लिक करिए, इससे आपको आगे के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस बाई सेल्युलर डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग फॉलोइंग इज नॉट लैंड लॉक्ड कंट्री? भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएसडीएन? इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑफिशियली लॉन्च्ड वुमेन सेफ्टी एप्लीकेशन? तमिलनाडु।
नेम द फीमेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन कौन सा है? प्रोस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीड्स कैन बी मेड फ्रॉम, एल्यूमिनियम की सीड्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड सेलियस सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल एस्ट्रोनॉमर एंडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑथर ऑफ जिन्ना ऑफन कम केम टू अवर हाउस बुक, किरण कुमार दोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीना माता डिजीज वॉज कॉज ड्यू टू विच एलिमेंट, मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जली कट्टू इज सेलिब्रेटेड ऑन विच फेस्टिवल, जली कट्टू सेलिब्रेट करता है पोंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉलेज ऑफ पास्कल्स लॉ इज नेसेसरी फॉर विच स्पोर्ट, स्कूबा डाइविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज यूज एज इंडिजेशन एंटासिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु मॉनिटर्स मनी ऑफ बैंक्स, RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द हाइएस्ट पीक इन अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, सैडल पीक। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। सब्सक्राइब करिए स्टडी फॉर SSC और बेल आइकन पे क्लिक करिए, और साथ ही साथ लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर SSC में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ SSC MTS एग्जाम 2017 के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो कि SSC MTS 2017 में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ SSC CGL CSHL UPSI इनमें भी इंपॉर्टेंट हैं, और साथ ही साथ आने वाले जो एग्ज़ाम होने वाले हैं तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। तो सब्सक्राइब करिए स्टडी फॉर SSC और बेल आइकन पे क्लिक करिए, इससे आपको आगे के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की SI यूनिट है केल्विन। नेक्स्ट है पीएच ऑफ मिल्क, मिल्क का पीएच मान कितना होता है? स्लाइटली एसिडिक, क्या होता है मिल्क? स्लाइटली एसिडिक होता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इमरजेंसी इज डिफाइंड अंडर विच आर्टिकल, ये आर्टिकल 360 में डिफाइन की गई है। नेक्स्ट है फेसबुक इज बैन विच कंट्री, फेसबुक बैन है चाइना में, नॉर्थ कोरिया में पड़ता है। नेक्स्ट है गदर पार्टी वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई, गदर पार्टी सोहन सिंह द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट है काल वैसाखी और नॉर्वेस्टर थंडरस्टॉर्म कम्स इन विच टू कंट्रीज, इंडिया और बांग्लादेश। नेक्स्ट है स्ट्रेट ऑफ गिब्रेटर कनेक्ट अटलांटिक ओशन टू मेडिटेरियन नियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है IVF वर्चुअल फर्टिलाइजेशन वाज इन्वेंटेड बाई स्टेप टोई एंड एडवर्ड्स। नेक्स्ट है विम्बलडन इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, लॉन टेनिस से रिलेटेड है। नेक्स्ट है ऑथर ऑफ बुक सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव क्रिकेट, ये बुक है, इसके जो है ऑथर कौन है? क्रिस गेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इस्टेब्लिश्ड, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में इस्टेब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आर एन ए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोन गिवन टू ट्रस्ट वर्थी कस्टमर एट विच रेट, प्राइम लेंडिंग रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप ऑफ हिमालयन माउंटेन फोल्ड। नेक्स्ट है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम एट पोल्स, पोल पर रेट मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेटस्केप नेविगेटर वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लकी ग्राहक योजना वॉज लॉन्च्ड बाई, लकी ग्राहक योजना नीति आयोग ने लॉन्च की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीडियन लोन पीरियड, ये क्वेश्चन है मीडियन लोन पीरियड ये कितना है? 5 साल के लिए, 5 साल। तो सब्सक्राइब करिए स्टडी फॉर SSC और बेल आइकन पर क्लिक करिए, इससे आपको आगे के अपडेट्स मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए और कमेंट करिए, अपने दोस्तों को बताइए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर SSC में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ SSC MTS एग्ज़ाम 2017 के लिए एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि SSC MTS 2017 में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और साथ ही साथ जो आने वाले एग्ज़ाम में जैसे CHSL UPSI तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल स्टडी फॉर SSC और बेल आइकन पर क्लिक करिए, इससे आपको आगे के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हु रोट अलबराना लिखा था अब्दुल फजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है? नर्व सेल।
नेक्स्ट है हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड टू राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यसभा में कितने मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं, तो 12। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ स्किन, मेलानिन, कलर ऑफ स्किन के लिए मेलानिन रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर का फंक्शन क्या है, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ RRR, RRR का फुल फॉर्म है रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंच साहिब गुरुद्वारा इज लोकेटेड इन पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड, टू लॉन्गिट्यूड के बीच की डिस्टेंस है 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। नेक्स्ट है स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कम्स अंडर विच आर्टिकल, स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जो है आर्टिकल 352 में है, 352। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, ये फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मोटो ऑफ थर्ड फाइव ईयर प्लान, थर्ड फाइव ईयर प्लान का मोटो है एग्रीकल्चर करना। नेक्स्ट है खालसा वाज बॉट बाय गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट है विच नॉवेल ऑफ शेक्सपियर इज रॉन्गली डेटेड, रॉन्गली डेटेड है नॉवेल हैमलेट। नेक्स्ट है कोबरा गोल्ड इज एन मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन थाईलैंड एंड USA, कोबरा गोल्ड एक्सरसाइज जो है थाईलैंड और USA के साथ है। नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड प्लेटिनम चिप, पेंटियम चिप विनोद धाम। नेक्स्ट है इकोनॉमिक सिस्टम विद प्राइवेट एंड स्टेट इकोनॉमी इज कॉल्ड मिक्स्ड और ड्यूअल इकोनॉमी, इकोनॉमी। नेक्स्ट है विंड्स फ्रॉम सहारा डेजर्ट टू मेडिटेरियन सी कॉल्ड सीरोको, SIROCCO, सीरोको। तो ये थे आज के क्वेश्चन, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल स्टडी फॉर SSC और बेल आइकन पर क्लिक करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को बताइए, इससे आपको इसका लाभ मिलता रहेगा। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर SSC में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ SSC MTS एग्जाम 2017 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं जो कि हमारे, और ये इंपॉर्टेंट है SSC MTS 2017 में, और इसके साथ ही आगे जो आने वाले एग्ज़ाम हैं जैसे CHSL और UPSI, तो इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए सब शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल स्टडी फॉर SSC और बेल आइकन पर क्लिक करिए, इससे आपको आगे के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनेल इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो पावर हाउस ऑफ द सेल है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है विच अमेंडमेंट इज़ कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं, तो 42 अमेंडमेंट मतलब 42वां अमेंडमेंट। नेक्स्ट है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर के फादर कौन, किसको कहते हैं, एलन टर्निंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखाड़ा बुक ऑन महावीर फोगाट इज अखाड़ा बुक ऑन महावीर फोगाट इज रिटन बाई सौरभ दुग्गल। नेक्स्ट क्वेश्चन है CaO Cl2 इज नोन एज, CaO Cl2 को क्या कहते हैं, कैसे जानते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय निकिल, निकिल से जो डिजीज होती है उसको कहते हैं डर्मेटिटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैथम इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो डेप्थ की यूनिट है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ITCZ का फुल फॉर्म है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ द एल्प्स माउंटेन लोकेटेड, एल्प्स माउंटेन कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो है यूरोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एन अमाउंट ऑफ 6,000 फॉर प्रेग्नेंट वुमेन योजना वॉज डिक्लेयर्ड ऑन, तो 6,000 रुपये देने की योजना जो बनाई थी मोदी सरकार ने, तो ये किस कब बनाई है, तो ये 31 दिसंबर 2016 को लागू की है। तो नेक्स्ट है कालाधन प्रोजेक्ट रिलेटेड टू विच कंट्री, कालाधन ये है म्यांमार से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच नाइबरिंग कंट्री केम ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर फेस्टिवल, तो ब्रह्मपुत्र रिवर फेस्टिवल से जो है ये बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड अल्ट्रासाउंड मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन किसने इन्वेंट की थी, लैन डोनाल्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज डू नॉट हैव सेल वॉल, विच ऑफ दीज डू नॉट हैव सेल वॉल,
युगलीना है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चंस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल स्टडी फॉर एसएससी और बेल आइकन पर क्लिक करिए, इससे आपको आगे के अपडेट्स मिलते रहेंगे। उस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एसएससी में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एसएससी एमटेस एग्जाम 2017 के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे एसएससी सीएचएसएल एमटीएस सीजीएल यूपीएसआई जो कि आने वाले एग्जाम्स हैं और जो चल रहा है एग्जाम एसएससी एमटेस उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल स्टडी फॉर एसएससी और बेल आइकन पर क्लिक करिए, इससे आपको आगे के अपडेट्स मिलते रहेंगे। और इससे पहले की वीडियो आप देखने के लिए हमारे चैनल पर जा सकते हैं, इससे आपको आगे की वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर इंक्लूडेड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पार्ट फोर्थ में आता है। नेक्स्ट है, माई स्टोरी बुक इज़ रिटन बाई विच फेमस क्रिकेटर, ये माई स्टोरी बुक माइकल क्लार्क ने लिखी थी। नेक्स्ट है, एसिड रेन कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एसिड रेन। नेक्स्ट है, हु वन नोबल पीस प्राइज ऑफ 2016, जुआन मैनुअल संतोस। नेक्स्ट है, हु वन 2016 यूएस ओपन मेन्स फाइनल चैंपियनशिप ट्रॉफी, स्टैन वावरिंका। नेक्स्ट है, विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है ग्रुप ए बी। नेक्स्ट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ मेंबर ऑफ विच हाउस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेंबर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल। नेक्स्ट है, बारडोली सत्याग्रह वाज स्टार्टेड बाई, बारडोली सत्याग्रह सरदार पटेल ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है, एन एरा ऑफ डार्कनेस बुक इज रिटन बाई, ये बुक लिखी थी शशि थरूर ने। नेक्स्ट है, केमिकल फार्मूला ऑफ साल्ट, साल्ट का केमिकल फार्मूला है NaCl। नेक्स्ट है, इंडिया है साइन एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री रिगार्डिंग क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल के लिए UAE मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नेक्स्ट है, स्टेट इमरजेंसी कम्स अंडर विच आर्टिकल, स्टेट इमरजेंसी 356 आर्टिकल 356 में है 356। नेक्स्ट है, हु रिसीव्ड संजय चोपड़ा अवार्ड इन 2016, अर्जुन सिंह अवार्ड, अर्जुन सिंह ने संजय चोपड़ा अवार्ड। नेक्स्ट है, व्हाट इज 49th पैरेलल लाइन, 49th पैरेलल लाइन है बॉर्डर बिटवीन USA एंड कनाडा ये। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ JPEG, JPEG का फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ इंसुलिन, इंसुलिन क्या है, हार्मोन। नेक्स्ट है, गैम्बिट इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, गैम्बिट चेस से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, वन क्वेश्चन माइक्रो इकोनॉमिक्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है, व्हाट इज इंडोथर्मिक रिएक्शन, ये क्वेश्चन गलत लिख गया। नेक्स्ट है, वन विच व्हाट इज इंडोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन विद विच एब्जॉर्ब हीट, रिएक्शन विच एब्जॉर्ब हीट। नेक्स्ट है, एडिबल पार्ट ऑफ सिनेमोल, सिनेमोल एडिबल पार्ट है बार्क। नेक्स्ट है, लास्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की लास्ट लेयर है एक्सोस्फेयर। नेक्स्ट है, विच कंट्री बिल्ड 500 हाउसेस फॉर जेविश, इसराइल। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। सो सब्सक्राइब करिए स्टडी फॉर एसएससी और बेल आइकन पर क्लिक करिए, इससे आपको आगे के अपडेट्स मिलते रहेंगे। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।